नमस्ते, पाटिल किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शेव। शेव ये हम हमेशा बूंदी के साथ खाते हैं या किसी भी चाट में खाते हैं, जैसे कि पानी पूरी, शेव पूरी, रगड़ा पैटीज। और अभी मैं एक कप बेसन लिया है, इसमें हम डेढ़ कप बेसन लेंगे, एक कप, और ये आधा कप लिया है। इसमें डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा, इसमें डालेंगे हम बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, स्वादानुसार नमक, और इसी में हम डालेंगे हल्दी 1 छोटा चम्मच। मैंने इसे अच्छी तरह से छान लिया है। आप चाहे तो इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर या काली मिर्च पाउडर डाल सकते हैं, जीरा, अजवाइन भी डाल सकते हैं और हींग भी डाल सकते हैं। अभी इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा तेल, 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक डो बनाएंगे। इसका डो बन चुका है। अभी हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे थोड़ा सा चिकना कर देंगे और साइड में रख देंगे 5 मिनट के लिए। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसके अंदर डालेंगे तेल। इसे हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा डो बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। मैंने यहाँ पर मोल्ड लिया है, ये आप देख सकते हैं। सेव का मोल्ड लिया है, चकली, सेव कुछ भी बना सकते हैं, पापड़ा। तो इसे मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ और ये जो बनाया हुआ डो है, ये डो हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे भी हम ऑयल लगाएंगे और इसके अंदर डाल के इसे बंद कर देंगे। आटे को मोल्ड के अंदर डाल के अच्छी तरह से दबाएंगे और इसे बंद कर देंगे। तेल हमारा गर्म हुआ कि नहीं वो चेक करेंगे। अच्छी तरह से गर्म हो चुका है तो गैस की फ्लेम को मध्यम रखेंगे और इसके अंदर हम शेव बनाएंगे। इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे, फ्राई करेंगे। अभी गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और इसे पलटी करेंगे। इसी तरह हम सभी सेव बना कर लेंगे। ये हमारी सेव बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से कुरकुरी बन चुकी है। इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा करने के बाद इसे किसी एयर टाइट कंटेनर में या तो कांच की जार में भरकर रख सकते हैं और 1 महीने तक आराम से खा सकते हैं, किसी भी चाट में, या ऐसे भी खा सकते हैं, चिवड़ा के साथ भी खा सकते हैं, बूंदी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दिवाली स्पेशल शेव हमारी बनकर तैयार है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।